स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। एसएमएस स्टेडियम मुख्य कार्यक्रम के लिए लगाए गए हैं टेंट, असुरक्षित है। राज्य स्पेशल सेल की ओर से माना टेंट को असुरक्षित। आपको जानकारी दे दें कि वीवीआईपी और वीआईपी दीर्घा के साथ दर्शक दीर्घा के लिए टेंट लगाए गए हैं। 9 अगस्त को दर्शक दीर्घा में बारिश से निर्माणाधीन टेंट का ढांचा गिरा था, जिसमें उसमें कार्यरत श्रमिक घायल हो गए थे। 11 अगस्त को बारिश से फिर देखिए गेट संख्या 8, 9, 10 के पास टेंट का ढांचा गिर गया। समय रहते टेंट पे बैठे बच्चों को हटाने से हादसा टल गया। विशेष शाखा की ओर से लिखा गया पत्र, टेंट की सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से गुणवत्ता और तकनीकी निरीक्षण करवाने के लिए पीडब्ल्यूडी को पत्र यहाँ पर लिखा है। स्टेडियम में विद्युत उपकरण से बरसात में संभावित करंट की प्रभावी रोकथाम के आवश्यक प्रबंध के भी निर्देश दिए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहती हैं। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश बने हुए। दिनेश, विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस टेंट की हम यहाँ पे बात करें उस टेंट को यहाँ पे असुरक्षित माना है, पहले भी 2 हादसे हो चुके हैं, क्या है जानकारी? देखिए, 15 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम में होता है और इसके लिए पिछले कई दिन से लगातार तैयारी चल रही है। कल भी फाइनल रिहर्सल एसएमएस स्टेडियम में हुई और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहते हैं और ऐसे में पिछले 2 बार के घटनाक्रम जिस तरह से हुए, 2 बार की दुर्घटना हो चुकी है, टेंट का जो ढांचा है वो गिर चुका है और इसके चलते मजदूर को भी चोट आई है और इसी को देखते हुए राज्य विशेष शाखा जो इंटेलिजेंस है स्पेशल सेल उनकी ओर से इस पूरे जो टेंट पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से लगाए गए हैं उसको असुरक्षित माना है और एक लेटर भी पीडब्ल्यूडी विभाग को भी लिखा गया है और इसके अलावा पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीपी और पुलिस महानिरीक्षक पुलिस सुरक्षा को ये लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि जो टेंट लगाया गया है वो गुणात्मक दृष्टि से, सुरक्षा दृष्टिकोण से गुणात्मक तकनीकी परीक्षण के बाद ही मजबूत टेंट लगवाया जाए, ताकि चूंकि वीवीआईपी और वीआईपी दीर्घा भी वहां पर रहती है, इसके अलावा दर्शक दीर्घा रहती है, तो किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, चूंकि बारिश का मौसम है, मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहते हैं, सीएम सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, तो ऐसे में गुणात्मक दृष्टि से पूरी तरह उसका तकनीकी परीक्षण के बाद ही ये टेंट है वो वहां पर लगाया जाए। पिछले बहुत 2 बार जो क्योंकि जो टेंट लगाया गया है उसमें 2 हादसे हो चुके हैं, हालांकि जो जो टेंट गिरा है 8, 9, 10 गेट नंबर पर उसमें बच्चे बैठे थे, लेकिन समय रहते उन बच्चों को वहां से निकाल लिया गया था, इसके चलते कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ऐसे में मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसको देखते हुए विशेष सुरक्षा विभाग की ओर से लिखा गया, शाखा की ओर से लेटर लिखा गया और इसमें इसका जिक्र किया है कि पूरी तरह से सिक्योरिटी की दृष्टि से इसका तकनीकी परीक्षण करवाने के बाद ही सुरक्षित टेंट लगवाया जाए इसके चलते, और एक बारिश का भी मौसम है, इसके चलते जो विद्युत उपकरण है उनको भी बारिश में संभावित करंट की प्रभावी रोकथाम के उपाय वहां पर किए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना स्टेडियम में नहीं। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, आगे बढ़ेंगे।